हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल साओ साइंस क्लासेस तो फ्रेंड्स आज की वीडियो क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि ग्रामर सेक्शन का सिंटेक्स करेक्शन देखने वाले हैं जी हाँ सिंटेक्स करेक्शन में आज मैं आपको नाउन के क्वेश्चन और आर्टिकल्स के क्वेश्चन कराने वाला हूँ तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस पर बेस्ड ही आपको क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इससे बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होगी ठीक है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आइए शुरू करते हैं सबसे पहला हमारा नाउन जो नाउन्स है उसके सेंटेक्स करेक्शन को सही करते हैं तो देखिए सबसे पहला है देखो एग्जाम्पल से ही आपको मैं समझाता जाऊँगा और एग्जाम्पल से ही समझते जाइएगा है ना कि मोहन इज अ माइज़र मैन क्या है मोहन इज अ माइजर मैन तो देखिए मोहन जो है वो दुष्ट आदमी है है ना तो यहाँ पर देखो यूज़ क्या होने वाला है नाउन के हिसाब से बोला गया है यहाँ पे है ना कि नाउन के हिसाब से हमें देखना है तो याद रखिएगा कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए माइज़र मतलब ई आर कंपेरेटिव डिग्री आ जाए तो कंपेरिजन के लिए तो कोई है ही नहीं वो खुद से ही हो रहा है तो क्या हो जाएगा मोहन इज अ माइज़र हो जाएगा सिंपल क्या हो जाएगा मोहन इज आ माइज़र यहाँ से मैन हट जाएगा देखिए इसका आंसर देख लेते हैं तो मोहन इज आ माइजर ये इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं द न्यूज़ ऑफ द वॉर आर गुड टुडे अब देखो जो न्यूज़ होती है ना उसमें एस लग रहा होता है उसमें क्या लग रहा होता है न्यूज़ में देखो आपने ये देखा है कभी कि न्यूज़ जो है उसका सिंगुलर या प्लूरल देखो सिंगुलर प्लूरल न्यूज़ के मतलब खबर के दोनों होते हैं खबर को इंग्लिश में क्या कहते हैं न्यूज़ है ना तो ये क्या है न्यूज़ है अब आपने देखा होगा अगर इसको सिंगुलर कर ले तो न्यू हो जाएगा क्या नहीं होगा तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि न्यूज़ जो है वो सिंगुलर की तरह काम करती है तो यहाँ पर ये यह मिस्टेक हो गई है क्या कि द न्यूज़ ऑफ़ द वॉर आर तो आर नहीं आएगा यहाँ पर यहाँ पर क्या आएगा इज़ आएगा क्या आएगा द न्यूज़ ऑफ़ द वार इज़ गुड टुडे क्लियर है मेरी बात नेक्स्ट देखते हैं द न्यूज़ आर ट्रू तो देखो अगेन दोबारा से आ गया ठीक है और ये सारे आए हुए हैं देखिए बोर्ड में आए हुए हैं ठीक है तो द न्यूज आर ट्र्यू तो न्यूज इज ट्र्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा इसको काट देंगे और यहां पर लगा देंगे इज क्लियर है मेरी बात नेक्स्ट देखते हैं आई सॉ थ्री डियर्स इन द फॉरेस्ट देखो दो चीज़ें याद रखना हमेशा एक तो डियर्स के लिए एक डियर के लिए और एक शीप्स के लिए शीप्स और डियर इनके लिए जो सिंगुलर और प्लूर एक ही होते हैं यानी कि डियर ही आएगा और शीप्स के लिए भी शीप ही आएगा तो देखो दोनों का एक साथ बता दिया मैंने आई सॉ थ्री डियर हो जाएगा इन द फॉरेस्ट और टेन शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड देखो टेन शीप्स वो हैं कितनी दस हैं अब ये मत बोलना कि यहाँ पर शीप की शीप्स की जगह शीप कर दिया लेकिन आर आर रहेगा आ रहे है ना आर क्यों रहेगा क्योंकि वो टेन है वो कितनी है टेन है यानी कि शीप जो है ना वो सिंगुलर के लिए भी हो गया और प्लूरल के लिए भी हो गया है इसलिए टेन शीप आर ही रहेगा सर टेन शीप देखो आई सॉ थ्री डियर इन द फॉरेस्ट और टेन शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड क्लियर है मेरी बात नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है माई ट्राउजर आर डर्टी तो देखो पहली बात तो ध्यान से समझिएगा कभी भी ट्राउज़र नहीं होता ट्राउजर्स होता है पैंट नहीं होता पैंट्स होता है क्या होता है पैंट नहीं होता क्या होता है पैंट्स होता है ट्राउज़र नहीं होता ट्राउजर्स होता है अब ये देखो ऐसा क्यों आया देखो जिसके अंदर कपल हो कपल इन सेंस यहाँ पर अगर मैं आप बात करूँ ट्राउज़र और पेंट में बात करूँ तो इसमें क्या होता है पेयर होता है जब अपने उसमें अपनी पैरों को डालते हैं अपनी टांगों को डालते हैं तो क्या हो गया ट्राउज़र और पैंट्स में यानी कि उसमें दो चीज़ें है ना दो दो मतलब कपल पेयर है वहाँ पे कि हम दो पैरों को डाल रहे हैं है ना हम दो क्या कहते हैं ट्राउज़र में पेंट्स में डाल रहे हैं तो इसलिए क्या होता है इसलिए वहाँ पर पेयर बन रहा है तो इसलिए उसको ट्राउज़र्स बोलते हैं तो माई ट्राउजर्स आर डर्टी क्या हो जाएगा माई ट्राउजर्स आर डर्टी हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं ही नीड्स अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल तो देखो अभी मैंने आपको बताया अभी जस्ट बताया कि स्पेक्टिकल है तो स्पेक्ट जैसे हमारे pants के अंदर दो pair हम डाल रहे हैं तो ऐसे स्पेक्टिकल्स जो है वो उसके अंदर भी दो चीज़ होती है दो लेंस लग रहे होते हैं और दो उसके मतलब हम कानों पे जो डंडी लगाते हैं दो होती हैं तो इसमें भी क्या हो जाएगा स्पेक्टिकल्स हो जाएगा तो ही नीड्स अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स क्लियर है मेरी बात नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा द फर्नीचर्स ऑफ़ माई क्लास वॉज़ डिस्पोज ऑफ अब देखो यहाँ पर आ गया था फर्नीचर्स तो फर्नीचर्स कोई वर्ड नहीं होता है फर्नीचर होता है क्या होता है फर्नीचर फर्नीचर्स नहीं होगा सिर्फ फर्नीचर होगा ठीक है यहाँ पर यह गलती थी बस तो देखो यहाँ पर आ गया दी फर्नीचर ऑफ माई क्लास वॉज डिस्पोज ऑफ नेक्स्ट देखते हैं योर इन्फॉर्मेशंस तो एक चीज़ सोच रहा कि जो इन्फॉर्मेशंस हो जाएगा या इन्फॉर्मेशन होगा कभी भी आपने इन्फॉर्मेशन नहीं सुना होगा सुन भी लिया होगा तो वो गलत सुना होगा इन्फॉर्मेशन होता है सिर्फ क्या होता है इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन भाई तुम्हारी इन्फॉर्मेशन कैसी है है ना तुमने कैसी इन्फॉर्मेशन दी है ठीक है तो वो जानकारी होता है है ना इन्फॉर्मेशन जो होता है वो जानकारी होता है और अगर इसका सिंगुलर का प्लुरल भी बनाएंगे तो भी इन्फॉर्मेशन ही रहेगा तो योर इन्फॉर्मेशन आर फॉल्स क्या हो जाएगा योर इन्फॉर्मेशन आ इज़ सॉरी क्या हो जाएगा इज ये हमेशा क्या रहती है ये सिंगुलर रहती है योर इन्फॉर्मेशन इज फॉल्स नेक्स्ट देखते हैं हिज पोएट्रीज आर माइस्टिक है ना हिज पोएटरीज आर माइस्टिक तो देखो पोइट्रीज आर माइस्टिक की जगह हम यहाँ पर यूज करेंगे पोइट्रीज़ की जगह पोएम क्या यूज करेंगे पोएम्स होता है पोएट्री एक होती है पोएम्स ज़्यादा होती हैं तो यहाँ पर हो जाएगा पो पोएम्स देखिए हिज पोएम्स आर माइस्टिक नेक्स्ट देखते हैं इट इज़ अ नाइस पोएट्री ठीक है क्या है इट इज़ अइस पोएट्री तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे इट इज़ अ नाइस पोएम ठीक है नेक्स्ट देखते हैं आई लाइक वेजिटेबल आई लाइक वेजिटेबल्स तो आई लाइक वेजिटेबल इसका हो जाएगा आई लाइक वेजिटेबल्स क्या हो जाएगा आई लाइक वेजिटेबल्स फिर नेक्स्ट है आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश तो देखिए बहुत क्लियर सी बात है गुड मार्क नहीं होगा गुड मार्क्स होगा क्या होगा गुड मार्क्स होगा नेक्स्ट दी हाउस इज अंडर रिपेयर्स तो यहाँ पर सिंपल सी बात है रिपेयर्स कोई वर्ड नहीं होता अंडर रिपेयर आएगा क्लियर है मेरी बात अंडर रिपेयर आएगा ये लास्ट वाले आई लाइक वेजिटेबल्स आई कुड नॉट गुड मार्क्स इन इंग्लिश एंड दिस हाउस इज अंडर रिपेयर इसके बाद हम हम देख लेते हैं आर्टिकल्स के ठीक है आर्टिकल्स क्या होते हैं आर्टिकल होते हैं ए एन और द ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा इसके एग्जाम्पल्स सबसे पहला है ही इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तो देखो जो ए एन होता है हम एन की बात करें तो एन किसके आता है वॉवल्स के सामने किसके साथ लगता है वॉवल्स के साथ लगता है अब वॉवल्स क्या होते हैं हमारे ए फिर ई आई ओ और यू इनके साथ लगता है एन अब एक चीज़ सोचो कि यू के साथ तो लगता है लेकिन यहाँ पर तो ये गलत दे रखा है इसका मतलब क्योंकि स्टार्टिंग में हमें दे रखा है ना इसका आंसर कुछ और होगा यहाँ पर एन नहीं ए आएगा He is a university student. तो देखिए अब समझिएगा मेरी बात कि यहाँ पर एक्चुअली में ये जो वॉवल्स की बात की गई है वो बात की गई है ए ई आई ओ यू तो यू का मतलब हो गया कि वहाँ पर ऊ का साउंड आना चाहिए ठीक है वहाँ पर कैसा साउंड आना चाहिए ऊ का लेकिन यूनिवर्सिटी में पहले किसका साउंड आ रहा है य का किसका आ रहा है य का यूनिवर्सिटी य य कैसा आना चाहिए यू का साउंड आना चाहिए या आ का साउंड आना चाहिए ऐसा साउंड आना चाहिए तब होगा एन जैसे मैं तुमसे बात करूँ अम्ब्रेला Umbrella, UM, इससे स्टार्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए एन लग जाएगा लेकिन इसके लिए क्या लगेगा ही देखिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट है दिस इज एन यूजफुल बुक तो देखो इजीली कर सकते हो आप अब आप कभी नहीं बोलोगे है ना मेरी बात हमेशा याद रहेगी दिस इज एन यूजफुल बुक तो एन नहीं आएगा क्या आएगा अ आएगा क्यों ए आएगा क्यों क्योंकि यू यूजफुल यानी कि य या आ रहा है तो इसलिए ये हो जाएगा दिस इज अ यूजफुल बुक दिस इज अ यूजफुल बुक क्लियर है मेरी बात समझ में आ गया होगा ओके okay, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा ही गोज टू द एट ओ क्लॉक तो ही गोज टू द दल एट सेवन ओ क्लॉक अब इसको पढ़ने में लगेगा कि इसमें तो कोई भी मिस्टेक नहीं है ठीक है तो देखिए इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है ज़रा सोचिए पहले कि यहाँ पर ही गोज़ टू द टेम्पल क्या है द टेम्पल क्या उसने कोई स्पेसिफिक जगह का नाम दिया है क्या उसने भाई आपसे ये बोल दिया है कि वो स्पेसिफिक यानी कि ही गोज़ टू द बा के बिहारी मंदिर है ना द बा बिहारी टेम्पल द जन्मभूमि तो कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है उसके लिए द लगाया जाता है स्पेशल के लिए अब यहाँ पर टेम्पल है या सिंपल कोई स्कूल होता ही गोज टू स्कूल तो स्कूल होता कोई स्पेसिफिक नहीं रहा अगर उसने नाम दे दिया तो वो स्पेसिफिक हो गया तो इसलिए इसमें द नहीं आएगा तो देखिए ध्यान से ही गोज़ टू टेम्पल एट सेवन ओ क्लॉक सिंपल आ गया नेक्स्ट देखते हैं द गेम हैज़ कम टू एंड द गेम हैज कम टू एंड यानी कि गेम जो है वो एंड पर एंड होने के लिए आ चुका है तो क्या होगा इसका सोचिएगा जरा एक बार है ना वीडियो को पॉज करके सोचिएगा एक बार द गेम हैज़ कम टू एंड तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है एंड जो होता है वो एक ही तो होता है तो यहाँ पर क्या आएगा द गेम हैज़ कम टू एन एंड क्या आएगा एन एंड पहली बात तो एंड है ई e एंडिंग तो ए आ रहा है ए यानी कि वॉवल आ रहा है तो एन यूज होगा इसके साथ तो एक एंड होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा एंड आ जाएगा एन एंड तो देखिए ये ये रहा ये रहा द गेम हैज कम टू एन एंड क्लियर है मेरी बात नेक्स्ट देखते हैं ही इज कमिंग फ्रॉम द बनारसी ही इज कम फ्रॉम द ही इज कमिंग सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया ही इज कमिंग फ्रॉम द वाराणसी तो वाराणसी ही इज कमिंग फ्रॉम द वाराणसी ये है हमारा तो क्या हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर वाराणसी जो है ना उसके आगे द नहीं लगेगा ठीक है यहाँ पर वाराणसी जो है उसके आगे दा नहीं लगेगा हम कभी इसे दा मथुरा नहीं बोलेंगे है ना दा दिल्ली नहीं बोलेंगे ठीक है दा न्यू दिल्ली नहीं बोलेंगे हम सिंपल बात कर रहे हैं ही इज़ कमिंग फ्रॉम द वाराणसी ठीक है तो देखो दा हट जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ही इज़ कमिंग फ्रॉम वाराणसी क्लियर है मेरी बात नेक्स्ट देखते हैं द लव इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड द लव इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड तो देखो क्या हो जाएगा इसके लिए तो देखिए यहाँ पर द नहीं आएगा यहाँ पर भी क्या नहीं आएगा द नहीं आएगा यहाँ पर सिंपल आएगा कि लव इज इट्स ओन रिवॉर्ड ठीक है उसके बाद द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड तो इसके लिए इसमें क्या दिक्कत है तो इसमें भी ये दिक्कत है इसमें भी द नहीं आएगा क्लियर है मेरी बात नेक्स्ट है इट इज अ वर्ल्ड वेयर वेयर रिच हेट पुअर है ना मतलब ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पर जो अमीर आदमी है वो गरीब आदमी को नफरत करते हैं तो इट इज अ वर्ल्ड वेयर रिच हेट पुअर तो क्या हो जाएगा भाई इसका तो यहां पर हम कर सकते हैं कि इट इज अ वर्ल्ड वेयर द रिच वेयर द रिच हेट द पुअर क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक रिचों की और स्पेसिफिक अमीरों की और स्पेसिफिक गरीबों की बात हो रही है तो इसलिए यहां पर हम कहेंगे कि इट इज अ वर्ल्ड वेयर रिच हेट पुअर क्लियर है मेरी बात नेक्स्ट देखते हैं अब इसके बाद में सन राइजेज इन द इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट तो इसका क्या हो जाएगा देखो इसका हो जाएगा सिंपल सी बात है अभी मेरे मुंह से दा भी निकला तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले सन तो सन क्या है सन है नेचुरल नेचर तो उसके लिए तो दा आ सकता है तो द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट ठीक है तो ये सब इसमें लग जाएगा तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट क्लियर है नेक्स्ट देखते हैं काइंड मैन विल पिटी पुअर काइंड मैन विल पिटी पुअर क्या हो जाएगा तो यहां पर सिंपल सी बात हो रही है कि काइंड मैन जो है वो एक होगा तो यहां पर अ लगेगा अ काइंड मैन विल पिटी पुअर अ काइंड मैन विल पिटी द द पुअर यहां पर पुअर के अलावा क्या हो जाएगा? लग जाएगा द लग जाएगा नेक्स्ट देखते हैं ताज इज़ एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड तो मैंने अभी आपको बताया कोई यूनिक चीज़ होगी स्पेशल चीज़ होगी उसका यह द लग जाएगा तो यहाँ पर द लग जाएगा कि द ताज इज़ एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड फिर लिखेंगे आई फिर क्या है आई हैव हेडेक क्या है आई हैव हेडेक तो कभी भी आई हैव हेडेक नहीं होता आई हैव अ हेडेक होता है तो आई हैव अ हेडेक हो जाएगा नेक्स्ट है डोंट ट्राई टू मेक फुल ऑफ मी ठीक है डोंट ट्राई टू मेक फुल ऑफ मी तो इसका हमेशा होता है डोंट ट्राई टू मेक अ फुल ऑफ मी क्या होता है अ फुल ऑफ मी फिर है ही इज़ एन यूरोपियन तो देखो मैंने बोला कि ई आ गया वर्ध आ गया लेकिन जरूरी नहीं है एन लगेगा यूरोपियन है ये यूरोपियन यह आ रहा है क्या आ रहा है यह यूरोपियन तो इसलिए आ एन लगेगा ए आ जाएगा ठीक है लास्ट हमारी वीडियो का ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड ऑनेस्टी ऑफ राम तो देखो ऑनेस्टी क्या है ऑनेस्टी के लिए हमेशा लगेगा द तो द ऑनेस्टी ऑफ राम किसी स्पेशल स्पेशल की बात हो रही है राम की है तो द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड ठीक है तो ये थे हमारे आर्टिकल्स के और नाउंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंटेक्स करेक्शन जो कि मैंने आपको कराया प्रैक्टिस के लिए तो ऐसी ग्रामर प्रैक्टिस के लिए हमारी वीडियो पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इंग्लिश की उसमें जाइए और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाइए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय गाइज़ पढ़ते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए गुड बाय गाइज़